नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल सूरज के व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं आपको ले जाऊंगा अपने गांव में। मैं सिरमौर में, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर गांव में कल्चरल कुछ एक फंक्शन है, तो मैं दिखाऊंगा आपको वहां की जो मान्यता है भगवान श्रीकृष्ण से रिलेटेड और वो कहां जंगल में स्थित है। मैं आपको वहां ले जाऊंगा। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अपने दादा से, अपनी दादी से। क्या कुछ चल रहा है? ठीक है, सब बढ़िया। सब बढ़िया। हाँ। मेरा चैनल देखा है आपने कभी वीडियो यूट्यूब पे? नहीं देखी कभी? नहीं देखा। तो देखेंगे आप? हाँ, मैं दिखाऊंगा। यस। अच्छा। तो क्या इमोशनल क्यों हो रहे दादाजी? इमोशनल मतलब क्यों हो रहे दुखी से? दादी माता, दादी जी आपने देखा है कभी मेरा चैनल? तो आप वीडियो देखनी पसंद करेंगे? आज तक कोई वीडियो नहीं देखी? चलो मैं वीडियो दिखाऊंगा अभी, तब देखना और तब बताना, ठीक है? Much 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 later. बहुत बढ़िया, अच्छे लगे। हाँ। तो आप चाहते हैं कि वो बहुत सारे लोग देखें? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। शेयर करें, आगे फैलाएं, ठीक है, ताकि लोग देखें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तब दादी जी आपको ठीक लगी? बढ़िया, ठीक लीजिए। हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री गुरु जी के दरबार में और यहाँ पे हैं काफ़ी सारे लोग जो कि मेरे कोई दादाजी लगते हैं, कोई चाचू लगते हैं और ये भी चाचू जी और ऊपर भी है वहाँ पे, वहाँ पे भी ले जाऊँगा। तो ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ का जो स्थान है वो बनाया गया, ये बहुत ही प्राचीन स्थान है और इसे सुबह बनाया गया था। आज यहाँ पे हवन होगा और ये है बेदी। सबसे पहले तो हमें लकड़ियों को काटना पड़ता है और लकड़ियों को काटने के लिए कुल्हाड़ी द्वारा हम इसे काट सकते हैं ताकि खाना बन सके, भोजन बन सके। और भोजन बनाने में भी देसी घी का प्रयोग किया जाता है ताकि खाना स्वादिष्ट हो और ये माहौल ऐसा होता है कि सभी लोग अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। कोई देसी घी लेके आएगा तो कुछ सामान लेके आएंगे, इस प्रकार से ये कार्य होता है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा अपने चाचू से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो एक अच्छा सा संदेश आप सभी को पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं इनसे। बस मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं जो हूं ना इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ और जैसे भी मेरी एक थोड़ी सी एक सोच है भी जैसे भी थोड़ा सा एक कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ, इस कार्यक्रम में मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ओर से यहाँ के लिए कुछ एक पौधे उपलब्ध करूँ। और जैसे भी कि अब आजकल जो है ना जी, जैसे कि मान लो कहीं कोरोना वायरस का वो चला है तो वहाँ जो है इसमें थोड़ी सी एक पेड़ पौधे की जो है होना जरूरी है। और इसमें क्या होता है कि पौधे जो है बहुत एक अच्छी वो है, कोशिश ऑक्सीजन के लिए ये बहुत अच्छी है। और ये कि इसमें जो है पेड़ पौधे की थोड़ी सी वो कमी होती है तो इस कारण इसकी ऑक्सीजन की कमी आती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा पेड़ पौधे लगाएं, हर एक आदमी पेड़ पौधे को लगाएं और अच्छे ढंग से अपने जंगल को साफ सुथरा बनाएं, आग से बचाएं और हर एक चीज़ से। तो इस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेड़ पौधे की ओर ध्यान दें और अच्छे ढंग से इनको सुरक्षित करके रखें। धन्यवाद। कि जो यहाँ पे मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है, वो श्रीगुरु महाराज जी की है जो चूड़धार से लाई गई है और जिसकी हिस्ट्री मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो मेरे पापा बताएंगे और मैं उनसे इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। पीछे एक ही कारण है, ये हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे दादा परदादा थे उन्होंने चूड़धार से इस मूर्त को यहाँ पे लाया और यहाँ लाके इसको स्थापित किया। उसके बाद यहाँ पे हर श्रावण के महीने में हवन पाठ इत्यादि जो भी कुछ कार्यक्रम जितना भी कर सकते उस तरह से करते हैं। सब भाई लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे हो करके ये कार्यक्रम करते हैं।
और कहते हैं भाई जब से हमारे ये यहाँ देवता आया, हर प्रकार की सुख संपत्ति हमारे पशुओं से, अन्न धन से, हर प्रकार के हर चीज़ में बरकत मिलती है। तो इसीलिए सब आदमी जो यहाँ के ग्रामवासी है, स्थानवासी है, वो सब इस तरह को बड़ी अच्छी तरह से मानते हैं, पूजते हैं और अच्छी तरह से यहाँ पे जो भी फंक्शन है हर वर्ष करते हैं। और आने वाले टाइम में भी इसी तरह से है कि हमारे जो भी बच्चे हैं वो इसी तरह से इस कार्य को करते जाएं, जो कि अपना जीवन में सफल रहें, बढ़िया रहें, बढ़िया कार्यक्रम हो। चलो, यकीन मानिए जब भगवान देगा तो वह बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन होगा, आपका होगा, आपके लिए होगा। और जब भगवान लेता है तो पता भी नहीं लगता कि कब, क्या, कैसे, क्यों, कहाँ, कुछ भी हो सकता है। एंजॉय करें, खुश रहें। हैं? क्या बात है, क्या बात है। तो किसी लगी तुम्हें मेरी वीडियो? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। तो एक तुम ही स्थिताजी एक जिन्हें बोलो बोलो कई बारी देखती, बाकी तो अभी तक कोई नहीं बोलो वीडियो। ताजी तुम्हें भी नहीं देखी होनी अभी तक, है ना? क्यों? आप देख लेते हैं ना? चलो ठीक। हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगी एक दो दिन में। हाँ, थोड़ी एडिटिंग करती बार टाइम लगेगा ना, मतलब कुछ बताएं आप। यूट्यूब में तो आ जाता हूँ। हाँ जी, दादाजी ने तो मिनट में ही, मतलब तो ये है चाचू मेरे और वहाँ पे है मेरे पापा और ये है पापा से छोटे दादा मामा जी मेरे भाई ऊपर, और वहाँ पे बन रही है हमारे दिन के लिए पकवान, दाल सब्जी। ये पिताजी के साथ है दादाजी। अगर पिताजी का बाबा, हाँ, अगर अगर YouTube में देख रहे होंगे तो दादाजी छोटे दिखते हैं और पिताजी बड़े। 10 साल छोटा है। तो इस प्रकार से अब हमारा भोजन भी तैयार है लगभग, जो कि भोजन ना कह के उसे प्रसाद कहते हैं, क्योंकि एक भगवान के कार्य के दौरान तैयार किया जा रहा है। और एक बात बहुत अजीब और बहुत अलग है कि जो इस समय भोजन मिलता है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो दैन आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखना, क्योंकि कुछ रिचुअल्स है हमारे कल्चर के, वो हर कल्चर में होते हैं। आपके पास भी कुछ ऐसी जगह होंगी जिनको आप बताना चाहोगे, अगर आप कमेंट करके भी बता सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो खुद के ब्लॉग बना के, तो जब भी आपको समय लगे आप बताएं, कमेंट में करें, और अगर होगा, पॉसिबल होगा मेरे थ्रू, तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर दैट प्लेस। सो मेक श्योर यू हैव लाइक द वीडियो एंड डू अ कमेंट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू share this video and most importantly subscribe the channel. thank you so much. milte hain next vlog mein, tab tak ke liye bye bye, take care, dhyan rakhe apna, apne parivar ka, bye.